हेलो स्टूडेंट्स आई एव कुमार गोइंग टू डिस्कस पार्ट ट्वेल्व ऑफ द फोर्थ चैप्टर मोशन इन द प्लेन ऑफ क्लास इलेवेंथ इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक विच इज रिलेटिव हेलोसिटी इन टू डायमेंशंस और टू डायमेंशनल रिलेटिव हेलोसिटी दो बीमें दिव बीमी दो बीमाओं में या दिव्य बीमें आपेक्षिक विंग इट ई डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस कैन बी डिफाइंड एज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ टू वर्ड इज इन मोशन वैन दे आर इनक्लाइन टू इच अदर एंड मूविंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस जब दो वस्तु या दो पिंड दो अलग अलग दिशाओं में कुछ झुकाव कौन पर कुछ कौन पर एक दूसरे से झुके हुए हों और कर रहे तो स्थिति में एक पिंड का दूसरे पिंड के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की जो दर होता है उसे दीवी आपेक्षिक वेग कहा जाता है जब दो वस्तु दो भिन्न भिन्न दिशाओं में दो डिफरेंट directions में मोशन कर रहे हों तो उनमें एक बॉडी का दूसरे बडी के रिस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा मतलब दोनों बडी का जो रिजल्टेंट वैलोसिटी होगा एक बडी का दूसरे बडी के रेस्पेक्ट में तो उसे हम टू डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी दिव्यू बीमे वेग कहते हैं राइट डाउन द डिफिनिशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन इन इंग्लिश इफ टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग In two different directions, in two different directions, two different directions, inclined at each other, inclined at each other, two objects are moving along two directions. Object A is moving along OC direction, and object B is moving along OT direction, inclined at angle theta so this is the case of a this is the case of uh, this is the case of two dimensional relative velocity or relative velocity in two dimensions inclined inclined to each other inclined to each other then the resultant velocity ऑफ वन बॉडी ऑफ बोर्थ बॉडीज और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी रिलेटिव टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस देन दियर रिजल्टन वेलोसिटी रिलेटिव वेल्यूसिटी इज द रिजल्टेंट वेल्यूसिटी ऑफ टू बॉडीज इन मोशन देन दियर रिजल्टेंट वेल्यूसिटी और वह रिजल्टेंट वेल्यूसिटी हम एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उसको हम डिटरमाइन करते हैं कैलकुलेट करते हैं देन द रिजल्ट वेलोसिटी इज कॉल्ड इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस, टू डायमेंशंस this is the definition of relative velocity in two dimensions i am repeating again if two bodies or objects oblique objects are moving in two different directions inclined at inclined to each other both objects are both objects a and b are moving in two different directions along oc and od respectively but inclined at angle theta to each other therefore if two bodies if two bodies or objects are moving in two different directions inclined टू इच अदर देन their resultant वेलोसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी इन टू dimensions जब दो ऑब्जेक्ट्स दो पिंड दो अलग अलग, अलग दिशाओं में कोई झुकाव कोण पर एक दूसरे से झुके हुए हों inclined हों और मोशन कर रहे हों तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का दोनों पिंडों का जो परिणामी वेग होगा रियल्टेंट वेलोसिटी होगा उसे हम टू डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी दिव्य आपेक्षिक वेग हिंदी आप में कहा जाता है और इसके लिए फिगर हमने स्केच किया है फिगर हा, यहाँ हाँ और इस फिगर में रिप्रेजेंट किया है इस फिगर में हमने रिप्रेजेंट किया है दो ऑब्जेक्ट्स है एक ऑब्जेक्ट ए है जो भी स्पीड से ओ सी डायरेक्शन के लॉन्ग मोशन कर रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जो ओ डी डायरेक्शन में जो उसका डायरेक्शन दूसरा है अलग डायरेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन से एक ऑब्जेक्ट ए का डायरेक्शन ओ सी के लॉन्ग है लाइन ऑफ एक्शन दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन दूसरे बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ मोशन ओ डी के लॉन्ग है और दोनों एक दूसरे से इंक्लाइंड है थीटा थीटा एंगल से थीटा एंगल से इंक्लाइंड है तो इस सिचुएशन में एक वन बडी एक एक बडी का दूसरे बडी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी रिजल्टन वेलोसिटी हमको डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्ट ए का ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में हम रिजल्टेंट वेलोसिटी भी ए बी मालूम कर सकते हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट बी का पहले ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में या ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में भी रिलेटिव वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं तो इसके लिए जब एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करना होता है तो जो सेकेंड बॉडी है सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसको हम रेस्ट में लाते हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी दोनों का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो वहाँ अप्लाई करेंगे तो अगर हम ए का ऑब्जेक्ट ए का बी के ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट बी को दूसरे ऑब्जेक्ट बी को रेस्ट में लाना होगा और रेस्ट में कैसे आएगा जब इसका इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बी का जो ओ डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी बी वी है तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसके पॉइंट ऑफ एक्शन पर इसको हम इसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी मालूम थी इसको इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट वेलोसिटी ड्रॉ करना होगा तो हम ड्रॉ कर रहे हैं इक्वल एंड है अपोजिट वेलोसिटी ओडी का ये हो गया इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड ओडी के इक्वल हो ओडी के लेंथ के इक्वल हो और डायरेक्शन जो डायरेक्शन जो होगा वह ओडी के डायरेक्शन के क्या हो अपोजिट हो तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट बी का ए का रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए का रिलेटिव वेलोसिटी सेकेंड ऑब्जेक्ट बी के एस्पेक्ट में मालूम करने के लिए सेकेंड ऑब्जेक्ट बी के को हम रेस्ट में लाते हैं रेस्ट में लाना होता है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बी का इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी इक्वल मीन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन उसको हम अप्लाई करते हैं दोनों बॉडीज के पॉइंट ऑफ एक्शन पर उसके लाइन ऑफ एक्शन पर अप्लाई करते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन ए ओ है और जिससे कि वह बॉडी रेस्ट में आ जाएगा कौन बॉडी बी ऑब्जेक्ट बी रेस्ट में आ जाएगा और तब ऑब्जेक्ट ए का जो वेलोसिटी है वी ए और इसका जो अपोजिट वेलोसिटी है माइनस वी बी उसका रिजल्टन जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा तो पहले हम अब ए का रिलेटिव वेलोसिटी डिटरमाइन करना है बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में तो बी का स्पीड है ऑब्जेक्ट बी का स्पीड है ओडी डायरेक्शन के लॉन्ग भी बी तो इसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी हो गया माइनस वी बी इधर अप्लाई करते हैं माइनस वी बी ये अप्लाई कर दिया और इससे चूंकि यह ऑब्जेक्ट माइनस वी बी व ऑब्जेक्ट बी के लाइन ऑफ एक्शन के जस्ट अपोजिट है और मैगनीच्यूड इसका भी माइनस वी वी का मैग्नीच्यूड ऑब्जेक्ट बी के मैग्नीच्यूट के इक्वल है डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों वैलोसिटी प्लस वी बी और माइनस वी बी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पर है लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी इस लाइन पर इस लाइन के लॉन्ग जो रिजल्टन वेलोसिटी है वह जीरो हो जाएगा और बॉडी बी जो है रेस्ट में आ जाएगा लेकिन अभी ए का ओ सी के वडी ए का वेलोसिटी भी ए सी के लॉन्ग है मौजूद है अब यहाँ ओ सी का वेलोसिटी और ये माइनस वी बी जो है अब इसको हमको देखना है ये निगेटिव वेलोसिटी माइनस भी बी अब इन दोनों का रियल रिजल्टन देखना होगा अब यहाँ नहीं देखना है अब भी बी नहीं देखना है ऑब्जेक्ट बी का जो स्पीड है बी बीवी वो नहीं देखना है इसका अपोजिट स्पीड क्योंकि तो ए का स्पीड जब बी के रिस्पेक्ट में हमको रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करना है तो उसके मोशन को दूसरा ऑब्जेक्ट देखेगा बी देखेगा ए के ऑब्जेक्ट मैंने मोशन को ऑब्जेक्ट बी देखेगा ए के मोशन को माने ऑब्जेक्ट बी के माने को ऑब्जेक्ट बी जो है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बी जो है सेकेंड ऑब्जेक्ट भी वह से मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मोशन को देखेगा तो कहने का मतलब है कि बॉडी ए का जब रिलेल्टन वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी हम डिटरमाइन करेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करना होता है तो वह सेकेंड बॉडी जो है वह बॉडी जो है पहले बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करेगा देखेगा तो इसलिए अब हमको मोशन क्या है अब रिजल्टेंट वेलोसिटी किसको किसका निकालना होगा बॉडी बी तो रेस्ट में आ गया तो अब हमको ए का जो वेलोसिटी है बी ए और बी का जो अपोजिट वेलोसिटी है माइनस बी बी तो बी उसको देखेगा इसके मोशन को ए के मोशन को इसलिए अब ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ये माइनस बी बी इसके जस्ट जो है अपोजिट चूँकि ये देख रहा है ऑब्जेक्ट बी ए के मोशन को तो इसलिए ये जो डायरेक्शन होगा माइनस वी बी तो अब हम भी ए और भी माइनस वी बी का रिजल्टेंट हम रिजल्टेंट जो होगा वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए होगा बी के रिस्पेक्ट में या दोनों बॉडीज़ का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम करने के लिए भी ए और माइनस वी बी का हमको क्या करना होगा एक पैरलोग्राम फॉर्म करें और पैरलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे तो एक पैरलोग्राम हम फॉर्म कर देते हैं इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं वो डी है और ओ डी का ये अपोजिट इसको हम क्यू मान लेते हैं ओ क्यू जो है ओ डी के मैग्नीट्यूड के में इक्वल है ओ डी के मैगनीट्यूड में इक्वल है मतलब भी वी के मैग्नीट्यूड में इक्वल है डायरेक्शन में अपोजिट है तो अब हम इसके एक पैलोग्राम फॉर्म कर रहे हैं तो ओ क्यू के पैरेलल जो है ओ क्यू के पैरेलल ओ क्यू क्या है इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी है तो अब इस ओ क्यू के पैरल एक हम लाइन खींच रहे हैं जिससे कि पैलोग्राम फॉर्म करना है तो देखिए अब पैलोग्राम फॉर्म कर रहे हैं अब ये ये पैलोग्राम फॉर्म हो रहा है अब यहाँ से एक इसको जो फिर ज्वाइन कर दें पेरलोग्राम पर, फॉर्म हो गया अब ओ के पैरल एक लाइन अब फिर जो है ओ के पैरल ये खींचा ये पेलोग्राम फॉर्म हो गया अब पेरलोग्राम लॉब भेक्टर एडिशन से दो वेक्टर दो वेक्टर्स अगर किसी पेलोग्राम के दो एडजन साइड से रिप्रेजेंट हो एक साइड से वेक्टर रिप्रेजेंट है ओ से रिप्रेजेंट है भी ए भेक्टर ए ऑब्जेक्टे का स्पीड वेलोसिटी और दूसरा आ, जो साइड है पेलोग्राम का एडजेसेंट साइड जो एडजेसेंट एडजसन एक दूसरे से कनेक्टेड तो फर्स्ट साइड ओसी से रिप्रेजेंट है ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी और दूसरा साइड ओ क्यू से रिप्रेजेंट है से इसका अपोजिट वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट बी का अपोजिट वेलोसिटी माइनस बी बी अब दोनों का रिजल्टन जो होगा पेलोग्राम लॉ से इन दोनों एडजेसेंट साइड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ से पास करने वाला डायगनल से रिप्रेजेंट होगा तब इन दोनों एडजेसेंट साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है और इसे पास करने वाला डायगनल हो गया ये 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 ओ क्यू ओ ई इसको ई e हम सपोज करते हैं ओ ई और यही जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी देगा ये जो डायगनल होगा वही इस पैलोग्राम का ओ सी ई क्यू जो पैलोग्राम है उसका डायगनल हो गया कौन ओ ई और वह डायगनल जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज ए एंड बी डैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी ये हो गया भी ए बी भी ए बी ये रिप्रेजेंट हो गया ओके यू डायगनल द्वारा मैंने इस पहलोग्राम के डायगनल द्वारा रिप्रेजेंट हो गया ओ वही द्वारा रिप्रेजेंट हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी तो ये वही जो डायरेक्शन है ये दोनों वेलोसिटीज का भी ए और माइनस भी बी का ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गया क्योंकि ए, ए का जो वेलोसिटी है बॉडी ए ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी ओ सी के लॉन्ग है ऑब्जेक्ट बी का अपोजिट वेलोसिटी ओ क्यू ओ चू कि वडी बी को रेस्ट में लाया गया तो वह रिप्रेजेंट है माइनस वी बी से तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वह जो है एक थर्ड डायरेक्शन में जो कि पैलोग्राम का डाइगनल है उससे रिप्रेजेंट होगा अब हमको भी ए बी का मैग्नीट्यूड मालूम करना है और डायरेक्शन मालूम करना है तो उसके लिए हमें दोनों के बीच में एंगल मालूम करना होगा और फिर पैरोलोग्राम लॉ का यूज़ करना होगा रिजल्टेंट वैक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर किसी पैलोग्राम के दो साइड्स से रजेशन साइड से रिप्रेजेंट हो तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों साइड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले डाइगनल से रिप्रेजेंट होता है और अगर दोनों वेक्टर्स थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है मोड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर मोड ऑफ़ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ़ बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ ए भेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी भेक्टर इंटू कॉस्टिटा तो उसी पेलोग्राम लॉ ऑफ भेक्टर एडिशन का रूल का अप्लाई करके हम यहाँ भी बी और माइनस भी बी का दोनों ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी वेलोसिटीज का रियल्टेंट वेलोसिटी भी ए भी मालूम कर सकते हैं तो इसमें अब ये है सवाल उठता है कि एंगल होगा कितना दोनों ऑब्जेक्ट का के बीच का लाइन ऑफ मोशन का जो एंगल था वो तो था वो एंगल कितना था वो एंगल छीटा था दोनों ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन कर रहा था उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है ओडी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी कितने एंगल पर ठीटा एंगल पर अब प्रश्न उठता है कि अब यहाँ जो हमने अपोजिट वेलोसिटी लेकर के माइनस वी भी, भी लेकर के बॉडी बी को रेस्ट में किया है ए का रिजल्टेंट वेलोसिटी ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन करने के लिए तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा तो आप जानते हैं ज्योमेट्री से ये दोनों जो एंगल होगा ये ठीटा है तो ये हो जाएगा वन एटी माइनस ठीठा चूंकि ये दोनों एंगल का जो सम होगा वन एटी होगा तो इस सिचुएशन में ये एंगल कितना हो गया ये एंगल हो गया कौन सी ओ क्यू इज कल टू वन एटी डिग्री माइनस थीटा दिस एंगल इज वन एटी डिग्री माइनस ठीटा दिस एंगल इज वन एटी डिग्री माइनस थीटा अब हम मालूम कर सकते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी का अब रिजल्टेंट वेलोसिटी का, का मैग्नीट्यूड हम मालूम कर सकते हैं तो ये पेलोग्राम फॉर्म हुआ है तो नाउ यूजिंग द पेलोग्राम लॉ ऑफ भैक्टर एडिसन इन दिस फिगर इन दिस डाइग्राम इन दिस पेलोग्राम वी हैव यूजिंग द पेलोग्राम लॉ यूजिंग द पेलोग्राम लॉ ऑफ भैक्टर एडिशन पेलोग्राम का सिम्बॉल बना दिया लॉ ऑफ भैक्टर एडिशन वैक्टर एडिशन द मैग्नीच्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी वी ए बी दट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब भीज मॉड ऑफ़ वी ए बी रिजल्टेंट वेलोसिटी ए का बी के रेस्पेक्ट में मैंने ए का बॉडी ए का बॉडी बी के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मैग्नीच्यूड हो जाएगा उसका क्या मैग्नीच्यूड हो जाएगा वी ए बी इजकअल टू मॉड इजक्वल टू रूट अंडर ए मॉड स्क्वायर जो ओरिजिनल फॉर्मूला है पहले ग्राम लॉ में अगर रिजल्टेंट फैक्टर को आर से हम रिप्रेजेंट करें जो कि जो कि पेलोग्राम के दो एडजस्टन साइड के दो आसन भुजाओं के डायगनल से एडजस्टन साइड के डायगनल से रिप्रेजेंट होगा तो उसको अगर हम रिजल्टेंट वैक्टर को आर माने सपोज करें तो फॉर्मूला होता है आर मॉड ऑफ आर वैक्टर इजकअल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर ए वैक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी भेक्टर स्क्वायर दो वैक्टर ए भैक्टर एंड बी वैक्टर अगर एंगल पर इंक्लाइंड हो और उनका रिजल्टेंट आर वैक्टर दो पेलोग्राम के दोनों साइड एडजस्टन साइड के डायगनल से रिप्रेजेंट हो आर भैक्टर रिजल्टेंट तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है आर भेक्ट मॉड ऑफ आर भेक्टर इज कल टू रूट अंडर मोड ए भेक्टर स्क्वायर तो ए की जगह यहाँ कौन है वी है ऑब्जेक्ट ए का मोशन है वेलोसिटी है तो वी ए मॉड स्क्वायर वी ए भैक्टर मोड स्क्वायर ए की जगह हो गया ए के प्लेस में ए के बदले में यहाँ लिखा वी ए और बी भैक्टर दूसरा भैक्टर वी वैक्टर हमारा यहाँ पर दूसरा भेक्टर बी भेक्टर की जगह क्या है माइनस वी बी है जो अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बॉडी भी है ऑब्जेक्ट भी है तो माइनस वी बी कम मॉड स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ भी ए भैक्टर प्लस इंटू मॉड ऑफ भी वी भैक्टर मॉड ऑफ वी वी भैक्टर मल्टीप्लाइड बाई इसी टर्म में होगा तो यहाँ नीचे लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई कितना एंगल हो गया ये दोनों बॉडी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो इंक्लिनेशन है ठीटा था तो अब इस फिगर में डायग्राम पैलोग्राम में जो एंगल हो गया ये दोनों भी ए और माइनस वी वी के बीच वह वन एटी माइनस ठीटा होगा फ्रॉम द ज्यूमेट्री इंटू कॉस वन एटी डिग्री माइनस ठीटा वन एटी डिग्री माइनस थीटा और उसको पाई माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है चलिए तो अब ये हो गया रूट अंडर वी ए मॉडल स्क्वायर दैट इज ये फार्मूला आ जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट अगर दोनों का वेलोसिटी मालूम हो उनके बीच का इंटेंसन मालूम हो तो हम उनके बीच का झुकाव कौन मालूम हो तो हम एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं दे दिस दिस रिप्रेजेंट्स द डिटरेशन दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द दिस फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी तो वी ए मॉडल स्क्वायर प्लस माइनस वी वी मॉडल स्क्वायर दैट इज माइनस वी 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 वैक्टर मॉडल स्क्वायर इजकअल टू वी वी स्क्वायर ओनली मैग्नीच्यूट ये किसी वैक्टर का जो स्क्वायर होता है उसके मैग्नीच्यूट का स्क्वायर होता है उसके डायरेक्शन का स्क्वायर नहीं होता है इसे माइनस वी 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 वैक्टर का मोड वी बी वी वी स्क्वायर प्लस टू प्लस टू वी ए मॉड वी ए हो जाएगा भी वी मॉड एंटू कॉस एक्स वन एटी माइनस थीटा इजकअल टू माइनस कॉस्टीटा तो ये आगे प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस तो रिजल्ट होगा फाइनल टू वी ए मॉड दैट इज वी ए वी बी इंटू कॉस ठीटा दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्ट एंड वेलोसिटी दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रिजल्ट एंड वेलोसिटी दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी डैट इज वी ए बी वी ए बी भैक्टर का मॉड वी ए बी वी ए बी भैक्टर मॉड इजकल टू ओनली वी ए बी चूकी मैग्नीच्यूड है तो इसमें एरो इसमें घट जाएगा तो केवल भी ए बी इजकल टू रूट अंडर भी ए स्क्वायर प्लस भी बी ए स्क्वायर और कॉस वन एट्टी माइनस थीटा इजकअल टू माइनस कॉस ठीटा कॉस वन माइनस जो होता है कॉस वन एटी डिग्री माइनस इजकल टू सिंपली कॉस्ट थीटा था थीटा सॉरी माइनस कॉस्ट ठीक था साइन वन एटी माइनस ठीटा इजकल टू साइन ठीक और कॉस वन एटी माइनस ठीटा इजकअल टू माइनस कॉस्ट ठीक तो माइनस यहाँ आगे हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस इसलिए इस टर्म में थर्ड जो टर्म होगा वो निगेटिव हो जाएगा टू बी ए बी बी कॉस्ट थीटा एंड विद विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रियल्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी तो इस ढंग से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन वॉडी ए ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी अब इसी ढंग से अगर ऑब्जेक्ट बी का बी के रेस्पेक्ट में ए का रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे अब ए को रेस्ट में लाएंगे तो अब जो है उसके लिए हमको भी ए माइनस भी ए इधर हमको स्केच करना पड़ेगा माइनस भी ए को रेस्ट में लाना होगा माइनस बी ए तब भी बी और माइनस बी ए का जो रियल्टन वेलोसिटी होगा वह इधर हो जाएगा पेलोग्राम से और पेलोग्राम ऊपर फॉर्म करना होगा लेफ्ट साइड में तो इस ढंग से हम निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट बी का ऑब्जेक्ट ए, b, ए a का, एक के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लेकिन यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बी ए का बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी अपेक्षिक वैग्निक कैलकुलेट किया है और रिलेटिव वेलोसिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वह पेलोग्राम लॉ से पेलोग्राम ओ सी ई e, क्यू के डायग्नल से रिप्रेजेंट होगा और जिसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू यहाँ हमने ऑप्टेन किया है वी ए बी इजकल टू रूट अंडर वी ए स्क्वायर वी ए इज द स्पीड ऑफ वडी ए भी बी इज द स्पीड ऑफ वडी बी और यहाँ माइनस ज्योमेट्री से कॉस वन एटी माइनस टीटा ये ज्योमेट्री से ये एंगल जो है वन एटी माइनस टीटा हुआ और टिक्यूमेट्री से कॉस वन एटी माइनस टीटा इजकल टू तो माइनस कॉस टीटा ऐसे जनरली रिलेटिव वेलोसिटी अगर वन डायमेंशनल केस रहता तो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए भी क्या हो जाता वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी भी तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है दोनों बॉडीज के वेलोसिटीज के डिफरेंस के इक्वल होता है वन डायमेंशनल केस रहता तब लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इंक्लिनेशन है इसलिए पैलोग्राम ला का यूज करके रिजल्टेंट वेलोसिटी बॉडी ए का बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे इक्वेशन नंबर वन में ऑप्टेंट किया है अब इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का इंक्लिनेशन कितना होगा ल्टन वेलोसिटी का इंक्लेशन कितना होगा ए के लाइन ऑफ माने ए के वेलोसिटी के डायरेक्शन से वह हमको कैलकुलेट करना होगा अल्पा तो उसे कैलकुलेट कर देंगे तो वहां पर फिर से पैरोग्राम लॉफ एक्टेडिशन फिर से यूज करना होगा नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ VAB, ए बी दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी भी ए बी टू द डायरेक्शन ऑफ टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए तो लेट सपोज करते हैं कि अल्फा एंगल है जो कि भी ए बी दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी मेक्स विथ द डायरेक्शन ऑफ भी दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ए तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी ए बी बॉडी ए ऑब्जेक्ट ए का वी के एस्पेक्ट में जिसको डायगनल ओ ई से रिप्रेजेंट किया गया है पेरलोग्राम ओ सी ई e, क्यू तो ये जो तो ए ए ए ए ए के के भी ए बी का जो भी ए बी का जो डायरेक्शन है वही ही के रिप्रेजेंट ये डाइगनल से रिप्रेजेंट हुआ है पेरलोग्राम के तो यह ए के डायरेक्शन लाइन ऑफ मोशन से या ए के वेलोसिटी के ए वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए के वेलोसिटी के डायरेक्शन से वी ए दैट इज वी ए से वी ए वैक्टर से अल्फा एंगल फॉर्म करता है तो अगेन यूजिंग द लॉ पेरलोग्राम लॉ फैक्टर एडिशन टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टन फैक्टर दैट इज टेन अल्फा जो एक्चुअल फॉर्मूला है टेन अल्फा इज कल टू मॉड ऑफ बी फैक्टर साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए फैक्टर प्लस बी भैक्टर थीटा इन केस ऑफ ए पेरलोग्राम हुईट्स एडजस्टन साइड्स आर रिप्रजेंटेड बाई टू भैक्टर्स ए भैक्टर एंड बी भैक्टर एंड the Angle between two vectors a vector and b vector is theta. In that case, using the law of again using the uh, parallelogram law of vector addition to find the direction of the resultant VAB to the direction of uh, VA, we have uh, tan alpha tan alpha equals to बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा तो यहाँ पर बी वेक्टर की जगह कौन है माइनस बी बी वैक्टर है सेकेंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर भी ए वैक्टर है तो माइनस बी बी वैक्टर मॉड मॉड ऑफ माइनस बी बी वैक्टर साइन और एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स मतलब का, का भी ए भैक्टर और माइनस बी बी के बीच का ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी भी ए और ऑब्जेक्ट बी का अपोजिट वेलोसिटी माइनस बी बी के बीच का जो एंगल है वह वन एट्टी डिग्री माइनस थीटा है तो साइन वन एट्टी डिग्री माइनस ठीटा अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर की जगह हमारा यहाँ पर ए वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर की जगह वी ए वेक्टर है जो कि ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी है वो सी कह तो मॉड ऑफ ए वेक्टर दैट इज वी ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ बी बी के जगह कौन दूसरा वेक्टर कौन है हमारे माइनस वी वी माइनस वी वी वैक्टर इंटू कॉस वन एटी डिग्री माइनस थीटा अब इसे डायरेक्शन ऑफ द रियल्टेंट वेलोसिटी और लेटिव वेलोसिटी वी ए बी लेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी मालूम हो जाएगा माइनस वी बी कम आउट डेट इज वी बी साइन वन एटी डिग्री माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा अपॉन और मोड ऑफ़ वी एक्टर इक्वल टू वी ए कॉस वन एटी माइनस थीटा इजक्ल टू माइनस थीटा माइनस वी वी का मॉड वी हो जाएगा और लेकिन कॉस वन एटी माइनस थीटा माइनस कॉस्ट थीटा यहाँ प्लस है आगे में प्लस माइनस 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 वी वी का मॉड तो भी हो जाएगा लेकिन यहाँ प्लस माइनस कॉस वन एटी माइनस थीटा माइनस कॉस्ट टीटा यहाँ प्लस है प्लस माइनस माइनस दैट इज वी ए माइनस वी माइनस मॉड ऑफ माइनस वी इज वी बी थीटा कॉस माइनस टीटा माइनस कॉस टीटा तो यहाँ पर माइनस आगे कर दिए हैं तो प्लस माइनस माइनस कॉस ठीटा ये टेन अल्फा आ गया तो ये लेटिव वेलोसिटी बॉडी ए भी का ऑब्जेक्ट बी के एस्पेक्ट में बी ए बी का ए के लाइन ऑफ मोशन ए का जो लाइन ऑफ मोशन है उसी के लॉन्ग मतलब ए के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है भी ए उसके साथ इंक्लिएशन अल्फा है तो उसका वैल्यू टेन अल्फा इस फॉर्मूला से इसको इक्वेशन टू मान सकते हैं तो ये मालूम हो जाएगा अगर तो थीटा मालूम है बी ए स्पीड दोनों दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी मालूम वेलोसिटीज मालूम है तो इस फार्मूला के हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी वैलोसिटी वी ए बी वी ए बी का जो रिजल्ट ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए है बी के रिस्पेक्ट में तो इसका भी ए के ल, भी के साथ मतलब ए का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके साथ इंक्लिनेशन मालूम हो जाएगा एंगल अल्फा मालूम हो जाएगा तो सेकेंड इक्वेशन से तो इस प्रकार किसी बॉडी का एक बडी का दूसरे बडी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी को टू डायमेंसन्स टू डायमेंशनल मोशन के केस में टू डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी के केस के में हम पैरोलोग्राम लॉ के हेल्प कर हेल्प से रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीटूड और रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट ए के पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए के लाइन ऑफ मोशन से तो उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं अब इसी ढंग से अगर ऑब्जेक्ट बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे अब यहाँ ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में ए का मालूम करना है तो ए को रेस्ट में लाना होगा तो ए का इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी इधर मालूम करेंगे और पेलोग्राम जो है ऊपर की ओर फॉर्म होगा और फार्मूला सेम आएगा वी ए बी और टेन अल्फा वी ए बी और टेन अल्फा का जो फार्मूला है वी ए बी का मॉड और टेन अल्फा का जो फार्मूला वो सेम आएगा केवल यहाँ फिगर डायग्राम में अंतर होगा तो उसके लिए वडी ए को रिस्ट में लाना होगा तब वो होगा लेटी वेलोसिटी ऑफ वडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और यहाँ हमने लेटी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी मालूम किया है तो उसके इसको भी शॉर्ट में देखते हैं नाउ टू डिटर माइंड फॉर द नाउ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ भी बी ए दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी ए और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए अब दूसरे बॉडी बी का दूसरी वस्तु तो बी का पहली वस्तु तो जो ए है उसके रिस्पेक्ट में जिसका स्पीड भी वन है और दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट बी है उसका स्पीड भी बी है तो हमने तो पहले के इसमें फर्स्ट सिचुएसन में फर्स ऑब्जेक्ट ए का ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में पहले ऑब्जेक्ट ए का दूसरे ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में रियल्टन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑप्टेन किया वी ए बी और फिर रियल्टन वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी वैलोसिटी भी -ए -बी का ए के डायरेक्शन ऑफ मोशन से ए के वेलोसिटी के डायरेक्शन भी ए से इंक्लिनेशन अल्फा था उसको कैलकुलेट किया अब यहाँ पर अगर दूसरे ऑब्जेक्ट बी का के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट बी का रिलेटिव वेलोसिटी अगर पहले ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में निकालना हो कैलकुलेट करना हो तो अब कैसे करेंगे फिर वहाँ भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे लेकिन अब यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट बी का दूसरे ऑब्जेक्ट बी का पहले ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है डिटरमाइन करना है इसलिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में हमने बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करना होता है तो उसको रेस्ट में लाया जाता है तो अब इसको हम रेस्ट में लाएंगे रेस्ट में लाने के लिए ऑब्जेक्ट ए को मैंने ऑब्जेक्ट ए को रेस्ट में लाने के लिए ऑब्जेक्ट ए का जो वेलोसिटी है बी ए उसका इक्वल मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस भी ए स्केच करेंगे और ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ओसी से रिप्रेजेंट है यहाँ ओ से रिप्रेजेंट है किसका वेलोसिटी बट ए का वेलोसिटी ओसी से रिप्रेजेंट है उसी लाइन से उसी लाइन स्ट्रेट लाइन से ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है तो इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा ओसी के ही मैग्नीट्यूड में इक्वल मतलब भी ए का मैग्नीट्यूड में इक्वल बट अपोजिट अपोजिट साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ओ डैश डैस यहाँ अप्लाई करना होगा इसके पॉइंट ऑफ एक्शन पर या इसके लाइन ऑफ एक्शन पर और दोनों बॉडीज का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है ऑब्जेक्ट का वो है तो यहाँ इसके पॉइंट ऑफ एक्शन पर इसका जो लाइन ऑफ मोशन है उसी का इसके लाइन ऑफ मोशन के जस्ट उसी लाइन ऑफ मोशन पर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस भी ए अप्लाई किया गया जिससे कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा इस लाइन पर इस लाइन ऑफ मोशन पर ओसी और ओसी डैश तो ये रियल्टन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा बी ए और माइनस बी ए दोनों का रिजल्टन जीरो हो गया और ऑब्जेक्ट ए रेस्ट में अब आ गया अब ऑब्जेक्ट ए रेस्ट में जब आ गया लेकिन ऑब्जेक्ट बी अभी मोशन में है तो अब हम ऑब्जेक्ट बी का मोशन और फिर ऑब्जेक्ट ए का जो निगेटिव वेलोसिटी होगा चूंकि वो ऑब्जेक्ट बी का ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करना होगा तो वह 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 ऑब्जेक्ट जो है पहले ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करता है देखता है तो इस सिचुएशन में अब जब ये देखेगा मतलब ये देखेगा बी के मोशन को तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये माइनस बी ए हो जाएगा इधर इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इसलिए ऑब्जेक्ट ए A को रेस्ट में लाया गया तो यह अब मोशन को देखेगा ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट ए अब बी के मोशन को देखेगा चूंकि बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालना तो कैलकुलेट करना है रिलेटिव वेलोसिटी तो जिस ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट किया जाएगा तो वह जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा पहले ऑब्जेक्ट के मोशन को देखेगा अब बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के एस्पेक्ट में है तो ए जो है बी के मोशन को देखेगा तो किधर देखेगा इस साइड में इसलिए माइनस बी ए तो भी बी और माइनस बी ए का जो अब रिजल्टेंट होगा अब तो हमने ए, 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 ए को रेस्ट में ला दिया है तो अब भी बी और माइनस बी ए का रिजल्टेंट वेलोसिटी एक तीसरा डायरेक्शन होगा और वह डायरेक्शन फिर से एक पेलोग्राम फॉर्म किया हमने ओ सी डैस एफ डी तो उसके डाइगनल से दोनों एडजेशन साइड भी बी ओ डी और ओ सी डैस जिससे कि भी बी और माइनस भी ए रिप्रजेंटेड है तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ से पास करने वाला जो डायगनल होगा डायगनल होगा ओ एफ इस पैलोग्राम ओ डी एफ सी सी डैश का तो इससे रिप्रेजेंट होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑब्जेक्टिव बी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए भी बी ए और ये डायरेक्शन हो गया अब दोनों चूँकि ए और दोनों ऑब्जेक्ट्स ए और बी के बीच का जो इंटलेसन है दोनों दो डिफरेंट डायरेक्शंस ओ सी और ओ डी के अलॉन्ग मोशन कर रहे थे और उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है तो अब इस पैलोग्राम के दोनों साइड जो होगा ओडी और ओ सी डैश जो एडेशन साइड है तो उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा ज्योमेट्री से ये थीटा है तो वन एटी माइनस ठीटा चूँकि टोटल एंगल ओ पॉइंट पर जो होगा वह कितना होना चाहिए वहाँ पर अगर कोई एक स्टेट लाइन दो स्टेट लाइन या थ्री स्टेट लाइन आकर मीट करता है लेकिन सब टोटल एंगल का सम 180 होगा तो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा टोटल वह वन एटी तो ये ठीटा है तो ये वन एटी माइनस ठीटा हो गया तो फिर से हम पेलोग्राम लॉ और अप्प्लाई करके इस केस में अब भी, भी का मैग्नीच्यूड हम मालूम कर सकते हैं तो मैग्नीच्यूड ऑफ ना वो मैग्नीच्यूड ऑफ़ रियल्टन वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विध रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए इज पिंड बी का पिंड ए के रिस्पेक्ट में सापेक्ष आपेक्षिक वेग का जो मान होगा उसको फिर से पेरोग्राम लॉ से हम ऑप्टेंड कर सकते हैं वी बी ए मॉड इक्वल्स टू रूट अंडर फिर वही फार्मूला जैसे फर्स्ट केस में हमने अप्लाई किया था जब भी वी ए बी को डिटरमाइन किया था बॉडी ए का ऑब्जेक्ट ए का दूसरे ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वैल्यूसिटी कैलकुलेट किया था डिटरमाइन किया था तो पेरोग्राम लॉ का फॉर्मूला यूज़ किया था रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए वी ए बी का मॉड निकालने के लिए तो यहाँ पर भी वही फार्मूला फिर अब यहाँ पर अंतर क्या है भी की के जगह यहाँ पर माइनस भी होगा माइनस वी का मॉड माइनस भी ए मॉड स्क्वायर प्लस अब दूसरा वेक्टर है दूसरा वेक्टर है यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर वी जो ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी है मोड भी बी स्क्वायर प्लस टू अब यहाँ पर हो जाएगा फिर रिजल्ट तो उतना ही आएगा माइनस भी बी भी ए का मॉड माइनस भी ए का मॉड इंटू भी बी का मॉड मॉड ऑफ भी बी मॉड ऑफ भी बी वैक्टर और फिर एंगल इसमें एंगल होगा कितना यहीं पर नीचे लिख देता हूँ कॉस कितना एंगल है दोनों के बीच का माइनस भी ए जो उसी जैसे रिप्रेजेंट है जो इक्वल जो इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ भी ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट बी है उसका मोशन वेलोसिटी भी बी है दोनों के बीच का एंगल जोमेट्री से वन एटी माइनस टीटा तो कॉस वन एटी डिग्री माइनस थीटा इसी टर्म में है यहीं पर है मल्टीप्लाई यहाँ पर इसको यहाँ कर दिया क्योंकि इधर फिगर स्केच किए हैं तो नाउ वो रिजल्ट वही आया माइनस भी ए भी ए भैक्टर मोड स्क्वायर डैट इज माइनस भी ए भैक्टर का मोड केवल भी ए हो जाएगा भी ए स्क्वायर ये हो गया भी ए स्क्वायर प्लस सेम रिजल्ट भी वी ए स्क्वायर और ये कॉस वन एटी माइनस ठीटा फिर से माइनस कॉस थीठा और यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस ठीटा माइनस भी ए का मॉड फिर भी ए हो जाएगा तो टू भी ए भी वी का मोड भी, भी हो जाएगा और कॉस वन एटी माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस 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 टू भी ए कॉस थीटा सेम रिजल्ट लेकिन प्रोसेस अलग हो गया पैलोग्राम फॉर्म हुआ था पहले नीचे अब जो है ऊपर की ओर फॉर्म हुआ लेफ्ट साइड में तो ये भी, भी हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए ये इक्वेशन थ्री हो गया और इसी ढंग से अब अगर VBA, तो भी बी ए मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए का जो निगेटिव वेलोसिटी है ए का जो ए का जो निगेटिव इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी है माइनस वी ए उसके साथ ए, कितना एंगल फॉर्म करता है बीटा तो फिर से हम डायरेक्शन ऑफ भी बी ए मालूम कर सकते हैं फिर सेम रिजल्ट आएगा डायरेक्शन ऑफ वहाँ अल्फा माने थे वी ए बी का ए के पर, भी ए के डायरेक्शन से झुकाव यहाँ पर अब भी के जगह पर माइनस वी वी माइनस वी ए से इंक्लेसन जो है वी वी ए का लेटिव वेलोसिटी ऑफ़ डायरेक्शन ऑफ रियल्टेंट वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव वैलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए तो उसका माइनस ओ सी डैश डायरेक्शन डैट इज माइनस वी ए का इक्वल एंड अपोजिट वैलोसिटी है उसके हिसाब से इंक्लिनसन अल्फा के जगह बीटा यहाँ मान लिया तो फिर से सेम रिजल्ट यहाँ पर भी हम ऑपटेंड करेंगे तो अब डायरेक्शन ऑफ भी बी ए लेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए और रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन केस रहता सीधे तो भी बी ए जो है वह रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है भी बी वी बी वेक्टर प्लस अब माइनस वी ए वेक्टर प्लस माइनस भी ए वेक्टर, दोनों कंबाइन करना होता है दैट इज वी बी रिलेटिव वेलुसिटी फाइनली दोनों वर्ड के वेलोसिटी का डिफरेंस हो जाता है वी बी माइनस वी बी भैक्टर माइनस वी ए भैक्टर वन डायमेंसनल केस में लेकिन यहाँ चूँकि टू डायमेंशनल केस है तो रियल्टेंट वेलोसिटी पैलोग्राम लॉ से हम uh, रियल्टेंट वैक्टर को पैलोग्राम लॉ के पैलोग्राम के डायगनल से रिप्रजेंट कर रहे हैं वी बी ए को तो डायरेक्शन ऑफ भी बी ए तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है अल्फा माने हैं यहाँ लेटअल्फ बीटा भी देंगे विच द डायरेक्शन ऑफ द रियल्टेंट या रिलेटिव वी ए मैक्स विथ द डायरेक्शन ऑफ माइनस भी ए भैक्टर दैट इज ओ सी ओ सी ओ सी डैश ओ सी डैश डायरेक्शन देन टेन बीटा इक्वल टू फिर से वही फॉर्मूला टेन बीटा इक्वल्स टू फिर से एक बार वही रिजल्ट भी बी मॉड साइन वन एटी माइनस थीटा डेट इज वी बी साइन थीटा भी बी साइन थीटा माइनस अपॉन अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर तो मॉड ऑफ ए वेक्टर की जगह माइनस बी ए मोड है तो माइनस बी ए भैक्टर का मोड केवल बी ए हो जाएगा प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस वन एटी माइनस थीटा बी की जगह यहाँ पर भी बी भेक्टर है तो भी वेक्टर का मोड वी बी हो जाएगा और कॉस वन एटी माइनस टीटा इजकअल टू माइनस कॉस्ट टीटा तो प्लस टर्म आगे है लेकिन आगे कॉस वन एटी माइनसा माइनस कॉस्टिटा तो कुल मिलाकर के भी ए प्लस माइनस भी बी थीटा सेम रिजल्ट जो ऐसा रिजल्ट फर्स्ट सिचुएसन में आया था पहले केस में आया था जब वी ए बी का डायरेक्शन ए वेक्टर के ए वेक्टर की वेलोसिटी के डायरेक्शन से ओ के साथ अल्फ़ा के लिए हम एक्सप्रेशन ऑप्टेंट किए थे टेन अल्फ़ा तो यहाँ पर जो है वी बी ए का ओ सी डैस माइनस वी ए, 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 ए का ऑब्जेक्ट ए का अपोजिट वेलोसिटी का डायरेक्शन ओ सी डैस से इंक्लिनेशन बीटा मान लिए पहले केस में इधर अल्फा था और यहाँ पर जो है बीटा हो गया तो टेन बीटा इजल टू लेकिन रिजल्ट सेम आया वी बी साइन थीटा अपॉन भी वी वन साइन वन एटी माइनस थीटा तो साइन वन एटी माइनस थीटा इजगल टू साइन थीटा लेकिन बट कॉस वन एटी माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा इसलिए आगे माइनस आ गया है टर्म में तो भी ए टेन बीटा इजगल टू वी बी साइन थीटा अपन बी ए माइनस भी बी कॉस कॉस वन एटी माइनस थीटा इज कल टू माइनस कॉस बट साइन वन एटी माइनस थीटा इज कर टू साइन थीटा अब इस uh, फॉर्मूला के यूज़ से हम रिजल्टेंट वेलोसिटी बी का रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दैट इज वी बी ए का माइनस वी ए वेक्टर जो है उसके साथ उसके उसका जो डायरेक्शन है उसी डैश उसके साथ इनके एंगल जो है बीटा वह कैलकुलेट कर सकते हैं और इस इक्वेशन थ्री की हेल्प से हम रियल्टन मैग्नीट्यूड ऑफ रियल्टन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से रूट अंडर बी ए स्क्वायर प्लस वी बी ए स्क्वायर माइनस टू बी ए कॉस्टिटा तो इस प्रकार रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंसन्स ये दोनों सिचुएशन दोनों केसेस पर हम हमने uh, कंसिडर uh, किया इसको डिस्कस किया और इसके साथ ये टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन समाप्त होता है अब टू डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन पर कुछ एन सी आर टी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम्स uh, अलग से उसके अलग पार्ट जो पार्ट थर्टीन होगा उसमें मैं सॉल्व करूँगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो uh, उसमें रिवर उसमें जो है रिवर बोट प्रॉब्लम है या रिवर स्विमर प्रॉब्लम है उसके अलावा आ, रेन मैन या रेन वोमन प्रॉब्लम है तो ये सब प्रॉब्लम उसमें सीप आ, सीप विंड प्रॉब्लम है तो तीन टाइप का प्रॉब्लम उसमें आ, मैं अगले पार्ट में पार्ट थर्टीन में सॉल्व करूँगा जो इसी पर बेस्ट है थैंक यू वेरी मच